हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आप दोनों के मैसेजेस एक दूसरे के लिए। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अभी इस वक्त आपके दिल में, दिमाग में क्या है ऐसा जो आप अपने पर्सन से कह देना चाहते हैं, और उनके दिल और दिमाग में क्या है, वो किस तरीके का जवाब आपको देते हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे हम ये चेक कर पाएंगे कि आपकी एनर्जी कलेक्टिवली क्या है और आपके पर्सन का रिस्पॉन्स किस तरीके का आने वाले समय में आपको मिल सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। तीन शफल के बाद हम डेक को डिवाइड करेंगे इंटू टू पार्ट्स। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ। पहला मैसेज है आपका आपके पर्सन के लिए। आप चाहते हैं कि आपका पर्सन बिल्कुल फ्री विल से आपको सेलेक्ट करे, किसी के दबाव में आकर पीछे ना हट जाए। क्यों, सच है? कमेंट में बताते जाना किसके किसके मन की भावनाएं निकल कर आ रही हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी है कि मेरा पर्सन इतना फ्री रह रहा है, उसको मेरी पड़ी नहीं है, तो अब मैं भी दिखाती हूँ या दिखाता हूँ कि फ्री रहते कैसे हैं। ये भी कुछ लोगों का मैसेज है। और आपके पर्सन का जो रिस्पॉन्स है इस पर, इनको डर लग रहा है। मतलब ये फ्री विल से आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं आ पाएंगे। इस वक्त इनकी एनर्जी थोड़ी डर वाली है, क्योंकि वी हैव फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। इनको डर है अगर ये साथ आ जाते हैं आपके परमानेंटली, अगर शादी करते हैं या कमिटमेंट देते हैं, तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें उतनी इनके फेवर में नहीं आएंगी, तो इन्हें अभी साथ आने में डर लग रहा है। ठीक है, फिर आपका जो मैसेज है इनके लिए, आपको ऐसा लगता है कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप इन्हें नहीं भूल पा रहे। अगर ये आपसे दूर भी चले गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये वापस आएंगे या आएंगी, ये आपसे परमानेंटली दूर नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बंधन है आपके साथ जो ख़त्म नहीं हो सकता। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं सॉलिट्यूड। ये सच है, ये बिल्कुल सच। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, आपकी तरफ वाइट वाइट वाइब्रेशन है, इनकी तरफ ब्लैक ब्लैक वाइब्रेशन है, राइट? इसका मतलब है कि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। तो अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए इनको थोड़ा हीलिंग सेंड कीजिए, क्योंकि इनकी लाइफ में हैवी एनर्जी है। ये बहुत आइसोलेशन में है, बहुत डर, बहुत ज़्यादा, आपको कैसे समझाऊं, जैसे एक डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है कि इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, इसको ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस धरती पर, मेरा आना ही बेकार है, या बिल्कुल डिप्रेशन में कोई बंदा चला जाए, या बिल्कुल उसको निराशा हो जाए कि नहीं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है अपनी ज़िंदगी से, इस तरह की जो एनर्जी है, तो ये बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी है। देन आपकी तरफ है वन साइडेड लव। सच में काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि कहीं मेरा प्यार पूरा एक तरफा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ही इनसे प्यार करती हूँ या करता हूँ इनकी तरफ से। हाँ, यहाँ पे कोई एनर्जी है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। ये काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ये जो कार्ड है ये काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग सी वाइब्रेशन है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके मन में, ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता ज़रूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्यार एक तरफा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही एफ़र्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, उसकी तरफ से कोई एफ़र्ट है ही नहीं। क्यों, ये सच है क्या, कमेंट में बताना। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं रीचिंग कंक्लूजन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता ज़रूर होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है तो डेफिनेटली ऐसा लगता ज़रूर होगा, बट ये एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा है नहीं। आपके पर्सन आपसे दूर हैं किसी मजबूरी के चलते, आपके पर्सन आपसे दूर हैं किसी प्रॉब्लम के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, बट ये बहुत जल्द कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, बहुत जल्द इनकी लाइफ में एक डिसीजन आएगा और वो डिसीजन आप लोगों को क्लैरिटी देगा। देन हमारे पास है
एबंडोनमेंट। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके पर्सन ने उन्हें छोड़ दिया है, उनके पर्सन ने उनको पूरी तरह से घोस्ट कर दिया है, पूरी तरह से उनको एक तरह से होता है ना जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया। तो कई बार आपको ऐसा फील होता है, कई बार आपके मन में ये भावनाएं आती हैं कि क्या इन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, क्या इनको अब मेरी याद नहीं आती, क्या इनको अब मेरे रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जिसके जिसके मन में जो जो भावनाएं होंगी वो यहाँ पर आएंगी। तो ज़रूरी नहीं कि ये भावना आपके मन में आती हो, बट अगर आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं मैरिज नहीं, ऐसा नहीं है, आपके मन में बहुत दुविधाएं आती हैं। देखिए यहाँ से आप नोटिस कीजिए कि आपके मन में क्यों दुविधाएं आ रही हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा। आपके पर्सन चाहते तो हैं आपसे शादी करना, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट ये कोई स्टेप ही नहीं ले रहे, ये बिल्कुल से अपनी एनर्जीज को बांध कर रख लिए, जिसकी वजह से आपके मन में इल्यूजन्स आते हैं। और ये जो इल्यूजन्स हैं ये किसका इफ़ेक्ट है? राहु का इफ़ेक्ट है। तो जब राहु का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो आप समझ लें कि आपके मन में इतने इल्यूजन्स आएंगे कि कई बार तो लड़ाइयाँ इल्यूजन्स की वजह से ही हो जाएंगी। देन हमारे पास है स्टेजेस, ट्विन फ्लेम स्टेजेस। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हों जो डिवाइन कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आपको ऐसा लगता है कई बार कि क्या हम किसी स्टेज पर पहुँचे हैं, हमारी स्टेज कौन सी है, क्या हम यूनियन के करीब हैं या अभी दूर हैं। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं मैनिफेस्ट। गजब का जवाब दिया इन्होंने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जर्नी में किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है विद इन अ डेडलाइन, जो भी डेडलाइन आपकी है, तो आप समझ लें कि आप डेफिनेटली उस जर्नी में हैं, क्योंकि तभी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते जा रहे हैं, बट चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मे बी यू आर डीलिंग विद योर कार्मिक, मे बी यू आर डीलिंग विद दैट टाइप ऑफ पर्सन जो आप डिज़र्व नहीं करते या वो आपको डिज़र्व नहीं करता। बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। यस, मैंने पहले ही कह दिया, देखिए इल्यूजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है आपके अंदर। तुरंत से आप जज कर लेते हैं चीज़ों को, अच्छा वो ऐसा नहीं कर रहा मतलब ऐसा है, अच्छा उसने ऐसा रिप्लाई नहीं किया जैसा आप चाहते थे मतलब इसके मन में कोई और तो नहीं है। तो आप इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा हैं, इल्यूजन से बाहर निकलिए। और आपका पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक है इन्फेचुएशन। ये देखिए प्यार बहुत करते हैं, ये आपकी तरफ फिजिकली इमोशनली अट्रैक्टेड बहुत हैं, बट अभी ये डिसीजन मेकिंग एनर्जी थोड़ी सी डीले लग रही है, मतलब कमिटमेंट को लेकर ये रेडी हैं आपसे शादी करने के लिए, बट इनको बहुत हड़बड़ी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि समय लो सोच समझ के, क्योंकि शादी क्या है, बंधन है जो आपको ज़िंदगी भर निभाना है, तो हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दोनों परिवारों की रजामंदी, दोनों परिवार रेडी रहें, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्स अभी एनर्जेटिक लेवल पे नज़र आ रहे हैं। अब ये आपसे कितना रेजोनेट करता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, आपकी एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट की हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।